नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक। दोस्तों, युवराज सिंह नाम तो सुना ही होगा, भाई क्यों ना सुने हो, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो पता ही होगा कि युवराज सिंह आखिर है कौन, आखिर थे कौन। 2011 विश्व कप जीत में युवराज सिंह का सबसे बड़ा योगदान रहा था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। 2007 का जो T20 विश्व कप है वहां पर 6 छक्के कौन भूल सकता है। युवराज सिंह की अपनी बात है यार, और जब वो खेला करते थे तो अपने जमाने के वो सबसे बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे और सबसे बड़े मैच विनर हुआ करते थे। हालांकि युवराज सिंह के जाने के बाद नंबर 4 पर अभी भी भारत को सही तरीके का, सही ढंग का बल्लेबाज नहीं मिला है। तो युवराज सिंह की ये खासियत थी और ये काबिलियत थी कि उनके जाने के बाद भी टीम इंडिया को अभी नंबर 4 का सही बल्लेबाज नहीं मिला। खैर, ये सब बात की बात है। युवराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया स्पोर्ट्स 18 से बात करते हुए। युवराज सिंह से पूछा गया, जब सवाल पूछा गया कि भाई क्या उनको लगता है कि उनके करियर में जो है उतना साथ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो उन्होंने MS धोनी का एक एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि भाई धोनी को जो है रवि शास्त्री और विराट कोहली से काफी ज्यादा सपोर्ट मिला अपने करियर के अंतिम दिनों में, और इसी वजह से 350 से ज्यादा मुकाबले वो खेल गए, वरना खेले ना होते। ये युवराज सिंह का बयान है, ये युवराज सिंह का बयान है। और साथ में युवराज सिंह ने एक और एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, गौतम गंभीर, खुद युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, ऐसे कुछ नाम उन्होंने गिनाए जिनको 2011 विश्व कप के बाद मौके नहीं मिले। अगर मौके कप्तान से मिला हुआ होता, मतलब कप्तान का पूरा सपोर्ट अगर उन्हें मिला होता, तो शायद वो और भी ज्यादा खेल गए होते। इवन वीरेंद्र सहवाग का भी जो है युवराज सिंह ने नाम लिया। इस बात में कुछ हद तक सच्चाई है, और कुछ चीजों से आप क्या कहेंगे, जो तथ्य जो है ना, जो आंकड़े हैं, अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे, फॉर्म पे जाएंगे, तो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो सच में टीम से बाहर किए जाने लायक थे। और ऐसा भी नहीं है कि MS धोनी ने सपोर्ट नहीं किया, अगर सपोर्ट ना करते तो दोबारा टीम इंडिया में युवराज सिंह ना आते। और रही बात गौतम गंभीर की, तो उनकी फॉर्म खराब हुई थी, बाद में उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में भी वापसी की और इंग्लैंड दौरे पर गए थे। एक मैच में उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा था, उस मैच में भी वो कुछ खास कमाल काम नहीं कर पाए थे। तो ऐसा होता है, और ये जरूरी भी नहीं है कि हर खिलाड़ी को सपोर्ट ही मिलता है। 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं और उसी में से अपने कप्तान को अपना घोड़ा जो है वो चुनना होता है। तो ये हर कप्तान के पाले में होता है कि कोई ना कोई खिलाड़ी आपसे नाराज जरूर रहेगा और उनको लगेगा कि उन्हीं की वजह से जो है, मतलब आपकी ही वजह से उनका करियर बर्बाद हुआ है। खैर, ये बात तो हमेशा चलती ही रहेंगी। और जब युवराज सिंह या 2011 बैच के जितने भी खिलाड़ी है वो जब बयान देते हैं, तो उनके बयान में वो जो तीखा वार होता है ना धोनी के प्रति, वो जरूर देखने को मिलता है। तो ये आम बात है, और आए दिन ऐसी बातें, ऐसे बयान जो है निकलते ही रहते हैं। खैर, आपका इस बयान पर क्या कुछ कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।